लड़के देखो आप लोग, आखिरी 6.20 में, ठीक है, ये क्या है आपका आखिरी 6.20, प्रश्न नंबर है 5.6.2 का प्रश्न नंबर 5, ठीक भैया, ये आखिरी है आपका 6.20 में डीई समांतर, हाँ डीई समांतर ओ क्यू, भैया डीई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर, बाबू ये दिया है आपको, एक गिवेन है, अब प्रूफ क्या करना है आप सबको, क्या बोलो इसको, ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर, अब भैया ये बताओ ये दिए हुए आइटम से कैसे प्रूफ करोगे आप, हाउ कैन यू प्रूफ, हाँ लड़के एक मिनट, हाँ चल क्या बोले, त्रिभुज पी ओ क्यू में, चल लड़के अच्छा चल, ए त्रिभुज पी ओ क्यू में, हाँ पी ओ क्यू में, हाँ डी समांतर ओ क्यू, चलो ठीक, हाँ इसलिए पीडी अपान डी पीडी ना लिखा डी ओ, हाँ इज इक्वल टू पीई अपान ई, हाँ ये कैसे भर करके फिर से प्रमेय द्वारा, संकेत एक बात है, अब लड़की त्रिभुज, हाँ त्रिभुज पी ओ आर, हाँ चलो भाई, हाँ पी ओ आर भाई की लड़कियाँ लोग पीडी अपॉन डीओ, डीओ समांतर क्यों, हाँ क्या क्या बोल, पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ए, लड़का भवा कैसे समांतर बदल रहा है भैया, ने कैसे लिखा है समझ में आ, ये पूरा अच्छा भाई चला, हाँ भाई बी पी थी, चलो भाई ठीक है, समीकरण नंबर 2, अब लड़की क्या लोग बोला, चलो भाई एक और दूसरे, ए लड़का समीकरण भाई 1 एवं 2 से, चलो भाई ठीक है, आगे पी ई अपॉन ए क्यू, हाँ पी एफ अपॉन, अच्छा भैया ई मिलेगा, अच्छा तब समांतर लड़के मेरी बात सुनो, ये तुम्हें आइटम मिला है कहाँ के लिए, त्रिभुज पी क्यू आर के लिए, सुनो बाबू, बाबू ध्यान दो, इन दोनों से आप लोगों ने क्या लिया, ये मिला भाई, ये आपको इसमें था, ये आपका इसमें था, इससे मिला आपका पी डी अपॉन डी इक्वल पी ई अपॉन ए क्यू मिला बाबू, ये आपका इससे जो है क्या मिला आपको, पी डी अपॉन डी इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर, हाँ समांतर था ना दिया, इस समांतर से मिला आपको, अब समीकरण 1 और 2 से इनका रिजल्ट क्या मिला लड़के, ये मिला हमको, मिल गया बात समझ में, अब ये चीज है क्या, ये चीज तुम्हारा पूरा कहाँ है, देखो यहाँ पूरे त्रिभुज पी क्यू, समझ गए बाबू, अब यहाँ आप लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर में पी ई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ,
इसलिए छेद प्रमेय के विलोम द्वारा पीएफ समांतर क्यू समझ में आया ना लड़के? ओके धन्यवाद। अब कैसे लिखोगे चलो लिखना बताओ। पीएम का ही सवाल मुझे लिखने लिख। हाँ 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 ठीक 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 इनके इनके नाम पर इनके नाम। हाँ चलो बाबू भैया लिखना कैसे होगा बोले दिया चलो दिया बाबू कौन बोलेगा दिया है हाँ बताओ हाँ बोलो दिया है त्रिभुज पी ओ क्यू में हाँ लड़के 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 वहाँ तो तुम्हारे पास आकृति लिखा था ना आकृति में डी क्या है डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर आकृति दिया हुआ लड़के ना तो बट बस अब सिद्ध करना है सिद्ध करना है कौन बताए समांतर चलो भाई अब उप नंबर है उपपत्ति की अब उपपत्ति में कौन बोले चलो बाबू लड़के बताओगे खड़ा हो जा त्रिभुज पी ओ क्यू में त्रिभुज पी ओ क्यू में क्यू में डी ई समांतर ओ क्यू इसलिए इसलिए पी डी अपॉन डी ओ पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू पी ई अपॉन ई क्यू बाय बी पी टी बाय बी पी टी समीकरण नंबर एक हाँ चलो आगे बताओ त्रिभुज पी ओ आर में त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समांतर ओ आर डी एफ समांतर ओ आर इसलिए इसलिए पी डी अपॉन डी ओ पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू हाँ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर पी एफ अपॉन एफ आर बाय बी पी टी बाय बी पी टी समीकरण दो हाँ चलो लिखिए आगे समीकरण एक एवं दो से समीकरण एक एवं दो से पी अपॉन ई क्यू हाँ बाबू बात मत करो भैया हाँ चलो लिखिए आगे क्या पी अपॉन ई क्यू पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर पी एफ अपॉन एफ आर अब त्रिभुज पी क्यू आर में हाँ त्रिभुज पी क्यू आर में पी ई अपॉन ई क्यू पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर पी एफ अपॉन एफ आर इसलिए इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर EF समांतर क्यू आर थेल्स प्रमेय के विलोम थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा बैठ जा लड़के इति सिद्धम भैया बाबू नोट कर